जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ जी तुहाडा हरमन प्यारा शो अज का मुद्दा यूके ते यूरोप दे विच वसदे सारे व्यूअर्स नू मेरी तरफों प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों हाजिर हाँ तुहाडी खिदमत दे विच और विचार वटांदरा अज असी करांगे उन्हां मसलों के उत्ते उन्हां मुद्दों के उत्ते उन्हां इशूज़ के उत्ते जो कि असी निरंतर इस शो दे विच रोजाना तुहाडे नाल करदे हां और तुसी इस प्रोग्राम दे विच शमूलियत करके अपने जिहड़े विचार ने साडे नाल सांझे करदे हो और इन्हां सांझे गल्लां दे विच इन्हां सांझी गल्लां दे विच जिहड़े विचार तुसी अपने जहन तो अपने दिल तो अपने उस जज्बातों तो साडे नाल करदे हो असी उहदी कदर करदे हां। ते अज भारत दे विच आज़ादी दिहाड़ा 72 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है ते सब तो पहला तो यूके ते यूरोप दे विच वसदे सारे भारत दे वसनीकां नू आज़ादी दिहाड़े दियां बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना होण। अज असी मुद्दा जिहड़ा तुहाडे सामने लैके आए हैं और जिस मुतलक अज असी तुहाडे नाल विचार वटांदरा करना चाहुंदे हां इस प्रोग्राम दे विच अज असी जिहड़े सवाल है वो जिहड़े असी दर्शकों तो भी पुछ रहे हैं उन्हां सियासतदानां तो भी पुछ रहे हैं कि अज 72 ईयर तो हो गए लगभग 75 साल तो हो गए भारत नूं आज़ाद होए हुए नूं। मैनूं यह भी पता है कि कई साडे जिहड़े दर्शक ने उन्होंने अपना जिंदगी का अद्धा हिस्सा जिहड़ा वो भारत दे विच भी गुजारिया ते उत्थे उन्हां दा जन्म भी होया ते उत्थे उन्हां ने अपने जिंदगी दे जिहड़े सुनहरे पल ने वो इत्थे बिताए ने। अज मुद्दे दे विच सवाल जिहड़े सामने रखे जा रहे ने और जिस प्रति असी चाहते हैं कि गल करन दी लोड़ हैगी है दुनिया दे सब तो वड्डे लोकतंत्र दे विच जिन्हों दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र कहा जाता है उस लोकतंत्र नू अज लगभग इन्ने सालां बाद तुसी किस दिशा वल वेख रहे हो किस तुहानूं की लगता है कि रोड मैप जिहड़ा वो अजे भी भारत नू तैयार करन दी लोड़ हैगी है किस दिशा वल भारत नू जाना चाहिए क्वेश्चन जिहड़े अज असी रखे हुए हैं कि पिछले 72 सालों में भारत दियां सब तो वड्डियां प्राप्तियां की हन कि भारत विकास अते तरक्की दे राह ते है भारत की तरक्की विच आम आदमी किवें शामिल है ते भारत की प्रगति विच विदेशों विच रह रहे साडे NRI भरावां दी भैणां दी की भूमिका है ते होर जिहड़े असी सवाल रखे हुए ने कि भारत दे केड़ा केड़ी गल्लां नू हजे भी लोड़ हैगी है जेकर असी गल करिए भ्रिष्टाचार दी जातिवाद दी असी गल करिए ते की लोड़ हजे भी हैगी है इन्हां गल्लां दे मुतलक भारत नू सोचण दी जां भारत दे विच वसदे सियासतदानां दी। ऐ तां हो गई जी अज जिहड़े सवाल असी तुहाडे सामने रखे ने इस मुतलक तुसी अपने जिहड़े विचार है साडे नाल सांझे करोगे। तो एक सवाल असी होर रखे है कि जेकर असी अपने गुरु साहिबां की गल कर लिए उस मुगल काल की गल कर लिए जब मुगलों की हकूमत सी भारत दे विच तां साडे गुरु साहिबां ने अपने विचारधारा दे सदके जिथे विचारां की लोड़ पई उत्थे जिथे हथियारों की लोड़ पई उत्थे शस्त्र जिन्हों असी मीरी पीरी का सिद्धांत कहने दोनों सिद्धांतों के नाल उन्होंने अपनी गल रखी जिथे जिथे जिस तरीके नाल लोड़ पई। उस तो बाद 200 साल जिहड़े अगर असी गल करिए ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश हकूमत उत्थे विराजमान हुई और 200 साल उन्होंने राज किया। 1947 का वो दिन वो शाम जब एक मेमोरेंडम साइन होंदा है जिस विच तजवीज़ रखी जाती है पाकिस्तान की जिस विच तजवीज़ रखी जाती है भारत की तजवीज़ रखी जाती है दो मुल्कां दी ते अध विचाले ऐ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होंदी है कि सिख कित्थे जाउणगे तां पूरा इतिहास गवाह है जी इतिहास जानदा है कि उस टाइम मास्टर तारा सिंह पैरवी कर रहे सीगे और जब इस गल दी तजवीज़ रखी गई तां मास्टर तारा सिंह ने पाकिस्तान दा साथ ना दे के हिंदुस्तान दा साथ दिता और पंजाब जिहड़ा वो हिंदुस्तान दे विच शामिल हो गया। 1947 तो बाद जब पंजाब शामिल होया वसनीक जिहड़े ने वो जब इस पासे आ गए
ਅਤੇ 72 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਮਰੀ ਕੱਢਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਟ ਰਿਹਾ।